करनी चाहिए। रियलिटी फेस हम भी तो कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर आप इंडियन व्यूअरशिप लेना चाह रहे हैं, इंडिया को हमने व्यूअरशिप तो वो आप कर ही जाए। हमने इंडियन व्यूअरशिप, आप बार बार इंडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप बार बार इंडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इंडिया इंडिया इंडिया, आपने भी तो 10 बार आप बार बार, मैंने तो एक बार नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आप कह रहे हैं नहीं इंडिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये तो इंडिया क्या है, कुछ भी नहीं है इंडिया। वो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ना आप हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में देखे ना, डिफरेंस क्या है? इंडिया में वो आईफोन का जो है, इंडिया में जो तरक्की के मनाजर देखे जाए, अभी पिछले दिनों ही वो उन्होंने वो एक ट्रेन गुजारी है, वो नीचे से गुजर के जा रही है, भारत से दुबई, हाँ जी अंडर वाटर ट्रेन, हाँ जी इस तरह वो ट्रेन नीचे से जा रही है, देखे कितनी तरक्की कर ली है। और सेकेंडली बात यह है कि जो उधर की सिक्योरिटी की बात की जाए वो बड़ी अच्छी है उनकी, लोग उनका बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, हमारे लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी जो है ना जो भी विजिटर आए बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी है उनको बड़ा खतरा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में धमाके होते हैं, बस उनके जहन में यही ये माइंड सेट अप है, जो भी आता है इधर आउट ऑफ कंट्री से हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो यही सोच के वो बड़ा घबराता है, वो डरता है कि भाईजान मेरी जान को खतरा है, मैं मुझे कहीं गोली ना लग जाए, फायर ना लग जाए, इसी वजह से वो है ना वो इंडिया में थोड़ी सिक्योरिटी भी, यानी कि सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान और इंडिया मुल्क जो है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं बड़े बड़े मुल्क पे, हमारे मुल्क पे, हमारी आवाम पे अल्लाह का वास्ता है, आपको अपनी आशियाँ छोड़ें, मुल्क की तरफ देखें, मुल्क का हो यार, इंडिया में घूम फिर रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल के, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कैसा आप इंडिया को देख रहे हैं भाई, इतना खुशहाल मुल्क हो गया वो? हाँ जी सर, वो हम उससे तकरीबन 65 साल पीछे हैं हम इंडिया से, इंडिया हमारे से 65 साल आगे चला गया हुआ है। जो ये आपने क्या कह दिया सर? सर ऐसे ही है ना, इंडिया आगे है हमसे, हम बहुत पीछे चले गए इंडिया से, अफगानिस्तान कल आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान भी हमें क्रॉस कर रहा है। आप किधर देखते हैं न्यूज़ भाई, आप रिक्शा चलाते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ सर? न्यूज़ें नहीं, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो आपको कैसे देंगे? तो यहाँ की माइनॉरिटी जो है वो तो भागी भागी इंडिया में जा रही है या जाके जश्न मना रही है, तो आप माइनॉरिटी हैं, आप भी क्रिश्चियन हैं, आपको हकूक हासिल हैं, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है पाकिस्तान का? मैं चाहता हूँ ये मेरा इंटरव्यू लाजमन आप चलाएँ, लाजमन चलाएँ, हम इधर पाकिस्तान में ना एक माइनॉरिटी भी पूरी तरह से नहीं है, हमें इंसान भी नहीं समझा जाता, थर्ड क्लास, थर्ड छोटी सी छोटी जॉब हमें दी जाती है, और मतलब के बा हैसियत माइनॉरिटी के वाले से, जैसे इंडिया में नेशनलिटी भी मिल रही है, वहाँ पे आप अभी जा भी सकते हैं जब मर्जी, वहाँ पे जाके आपको नेशनलिटी भी मिलेगी, और इंडिया जो है वो आपने देखा कि पाकिस्तान को क्रॉस कर गया, कभी काफ़ी कंट्रियों को क्रॉस करके आगे से आगे चला गया, तो आप जाना चाहेंगे? वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, हमारी हुकूमत नहीं आवाम के बारे में सोचती, ये हमारी हुकूमत ठीक होगी ना तो हम सब, हम क्या मुसलमान भाई भी अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से यहाँ पर गुजारेंगे, मसला ये है कि हम नहीं चाहते कि हम जाके इंडिया में अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम यहाँ पर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान है ना ये नहीं चाहते कि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये कंट्री के पूरे वर्ल्ड में नहीं है सेव्ड कंट्री। देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ चली थी कि वो इंडिया ने कितनी मतलब कि तरक्की की है, वो चांद पे चले गए, हमारी जब भी कोई न्यूज़ पूरी दुनिया में चलती है, हमारी पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चलती है, कभी क्रिश्चियनों पे कोई हमला हो रहा है, कभी किसी जगह पे बम धमाके हो रहा है, हमारी इस तरह की, मैं वहाँ पे जाके इबादत भी करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने वहाँ पे तलीम हासिल की है, मैं तो बड़ा भाई आपको लव करता हूँ, क्योंकि सब खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, किसी से नफरत नहीं करनी, खुशियाँ बांटनी है, हमारे कुरान में भी समझाया गया, बताया गया कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वट एवर गैर मुस्लिम भी है उनके साथ भी अच्छे तरीके से आपने चलना है, तो जब आप यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या फ़ायदा दिन सोच सोच के बंदे को दिमाग आ भी जाता है। ओए होए अच्छा, तो इंडिया को आप किधर देख रहे हैं भाई, वो कैसे 65 साल हमसे आगे चला गया, ना 10 साल, ना 20 साल, ना 40 साल, 65 साल आगे कैसा चला गया इंडिया भाई, ये बताएं जरा मुझे सर। रोशनी डाले, रोशनी सर मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, हालात से ही पता चलता है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं वो थोड़े से ईमानदार हैं, वो आवाम के हमदर्द हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारा खून चूसने पे तुले हुए हैं, ना ही इनको ईमान की है, ना ही इनको इस्लाम की है, इनको अपनी जेबें भरने की है, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो गरीब आदमी मर रहा है बस, गरीब आदमी नहीं मरना है, ये याशियाँ करेंगे करते रहेंगे, इनको हिदायत ना ही आनी है ना ही आएगी,
ये तो आखिरत पे जब जाएंगे अल्लाह ताला इनसे पूछे। आप कितनी सेफ्टी देख रहे हैं, इतना डेवलप हो गया कि हर कंट्री जो है वो मजबूर हो गई इंडिया जाने पर सर, कि हम जाके वहाँ पे डेवलपमेंट तो देखें जाके भारत। ये बात तो आपकी ठीक है, उधर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तरक्की बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की काम बात करें ना, हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो हमें लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। मैं ये वो आपने प्रोटोकॉल की बात की है, प्रोटोकॉल उधर ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारा मुल्क जो है ना ये बड़ी कुर्बानियों से बना है भाईजान, तो हम एज अ शहरी मैं तो यही करूँगा कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में कोई आए वो देखे कि कितना माहौल है। लेकिन जो बाहर के ममालिक के लोग हैं ना, उनको इस तरह का गाइड नहीं ना है, वो गाइड नहीं किया जाता, वो क्या यही कहते हैं कि लो जी पाकिस्तान में जाएंगे हमले हो जाएंगे, दहशत गर्द है। लेकिन बात काट रहा हूँ, हम लोग जो बाहर जाके चोरियाँ भी कर रहे हैं, बाहर कंट्रीज में जाके भीख भी मांग रहे हैं, अपना हमें इमेज भी ख़राब कर लिया हुआ है, तो कैसे ट्रस्ट बहाल होने वाला है फिर भाई, कैसे आएंगे बाहर? कैदी नंबर 804। अच्छा, इसकी वजह ये है इधर रोज़गार नहीं है। ठीक है, अभी देखें लाखों की तादाद, पासवर्ड ऑफिस के सामने आप जाके देखें लोग कितने पासवर्ड बना रहे हैं, लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, पैसे लगा के वो इन्वेस्ट करते हैं 8-10 लाख 20 लाख, उधर जाते हैं वो रोज़गार कमाते हैं। अभी भिखारी वाली जो आप बात कर रहे हैं ये मैं नहीं मानता, मैं भी हो, लेकिन अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में गूगल में ट्राई अपना देखें तो सही, वर्ल्ड अफेयर में देखें, वर्ल्ड न्यूज़ देखें, ये सारा कसूर हमारी गवर्नमेंट को जाता है भाईजान ने निकाल दिया। सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना मेरी बात, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई रोज़गार अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया पर आए और बगैर सिक्योरिटी के आए, और वहाँ पे रिक्शे पे जा करके शॉपिंग भी उन्होंने की और घुमा फिरा भी, तो देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे तो अगर किसी हमारे वज़ीर आला वज़ीर आज़म ने या किसी ने जाना होता है तो प्रोटोकॉल उसे इतना मिलता है, हमारे टैक्स का पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं, तो आप ये कैसे कंपैरिजन कर सकेंगे जो इंडिया में सिंगापुर के प्रेसिडेंट गए हैं रिक्शे में, वो सैर भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं आज़ादी के साथ, उनके साथ सिक्योरिटी भी कोई नहीं है, इस वाले से क्या कहेंगे सर? मैंने आज ही सुबह 9 बजे मरियम नवाज को देखा है जीओआर से जब बाहर निकली है। हाँ। उनके साथ 4 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, ये कम हुआ है, अब पहले बहुत ज़्यादा था। नहीं तो ऐसे सिंगापुर के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में ऐसे घूम फिर सकते हैं बगैर सिक्योरिटी के? नहीं नहीं, तो फिर इंडिया सेव्ड हुआ ना सर, इंडिया में देखें इंडिया किधर चला गया फिर? ऐसे ही है, इंडिया ने तरक्की की है, वो हमसे तरक्की याफ्ता है, तरक्की हम पीछे हैं, हम वैसे दिवालिया हो चुके हैं, ये हमें एक खुशखबरी की मतलब के लहर है। हमारे मतलब के जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर तरीन हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हैं मतलब के पीएसएफ मतलब के जो जितने भी सिक्योरिटी मतलब के ब्यूरोक्रेट्स की बात, उनका प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियाँ, उनका घर, उनके मतलब के जितने भी ओवरऑल खर्चे हैं वो बंद किए जाएं और हमारे गरीबों के लिए सोचा जाए, ये हमारी हुकूमत के लिए आगे अपील है, हम गरीब लोग हैं हमारी सुने। वैसे भी हम तो इधर मिनोरिटी हैं, हम इधर क्रिश्चियन हैं, हम माइनॉरिटी हैं। अच्छा, माइनॉरिटी हैं आप? हाँ। ओ वेरी गुड यार, माइनॉरिटी है सर। आपका संडे को जो है वो अपना ईद भी है, ईस्टर है, हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, ना ही हमें कोई रमजान पैकेज मिला है, ना हम लेना भी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमें हमारी ज़िंदगी को आसान किया जाए, बिजली सस्ती की जाए, गैस सस्ती की जाए, हमारी ज़िंदगी के रहने के जो तरीक़ेकार हैं बस वो थोड़े से कम किए जाएँ ताकि हम इनके शुक्रगुजार हों। सर ये देखें कि अभी जो है नरेंद्र मोदी ने क्रिश्चियन को और बुद्ध मत जो है उन्हें और सिखों को बोला है कि आप इंडिया आए, इंडिया के सिटीजन बने, हम आपको नेशनैलिटी भी देंगे, तो यहाँ की माइनॉरिटी जो है वो तो भागी भागी इंडिया में जा रही है या जाके जश्न मना रही है, तो आप माइनॉरिटी हैं, आप भी क्रिश्चियन हैं, आपको हकूक हासिल हैं, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है पाकिस्तान का? मैं चाहता हूँ ये मेरा इंटरव्यू लाजमन आप चलाएं, लाजमन चलाएं, हम इधर पाकिस्तान में ना एक माइनॉरिटी भी पूरी तरह से नहीं है, हमें इंसान भी नहीं समझा जाता, थर्ड क्लास छोटी सी छोटी जॉब हमें दी जाती है, और मतलब के पूरा इंसानी हकूक मिल जाए हम इनके शुक्रगुजार होंगे, हम पाकिस्तान के मतलब के शहरी हैं, हमें सिर्फ ने एक शहरी का पूरा दर्जा दिया जाए, मैं इसके लिए बड़ा ही आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मेरा ये चला देंगे तो। सर जरूर चलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे बाहसीयत माइनॉरिटी के वाले से?
जैसे इंडिया में नेशनैलिटी भी मिल रही है, वहाँ पे आप अभी जा भी सकते हैं जब मर्जी, वहाँ पे जाके आपको नेशनैलिटी भी मिलेगी। और इंडिया जो है वो आपने देखा कि पाकिस्तान को क्रॉस कर गया, कभी काफ़ी कंट्रियों को क्रॉस करके आगे से आगे चला गया। वो अपनी वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, हमारी हुकूमत नहीं आवाम के बारे में सोचती, ये हमारी हुकूमत ठीक होगी ना तो हम सब हम क्या मुसलमान भाई भी अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से यहाँ पर गुजारेंगे। मसला ये है कि हम नहीं चाहते कि हम जाके इंडिया में अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम यहाँ पर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान है ना ये नहीं चाहते कि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये गरीबों का खून पीने में निचोड़ने में लगे हुए हैं, इनको बस अपने अकाउंट भरने की पड़ी हुई है, इनको आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर जाने की पड़ी हुई है कि जी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, गरीबों की ज़िंदगी से इनको ज़रा भी नहीं है, हमारी ज़िंदगियों के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं तो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में गए हैं, उनके पास सिक्योरिटी भी कोई नहीं है, क्या सोच के वो इंडिया में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है कि यार इस जैसी कंट्री के पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सेव्ड कंट्री। देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ चली थी कि वो इंडिया ने कितनी मतलब कि तरक्की की है, वो चांद पे चले गए। हमारी जब भी कोई न्यूज़ पूरी दुनिया में चलती है, हमारी पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चलती है, कभी क्रिश्चियनों पे कोई हमला हो रहा है, कभी किसी जगह पे बम धमाके हो रहा है, हमारी इस तरह की न्यूज़ें चलती हैं, इसीलिए तो हमारा मुल्क नीचे का नीचे जा रहा है। इंडिया की इस तरह की कभी कोई भी न्यूज़ नहीं चली पूरी दुनिया में, वो जब भी कोई न्यूज़ चली है उन्होंने कोई ना कोई अपने मुल्क के लिए ना कुछ किया है, तो उनकी सारी न्यूज़ चलती है पूरी दुनिया में। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर, आप माइनॉरिटी हैं और यसुब आप देखे जी, मैं भी मेरे घर के पास रिगल चर्च है, मैं वहाँ पे जाके इबादत भी करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने वहाँ पे तलीम हासिल की है, मैं तो बड़ा भाई आपको लव करता हूँ क्योंकि सब खुदा के बनाए हुए इंसान है, किसी से नफरत नहीं करनी, खुशियाँ बांटनी है। हमारे कुरान में भी समझाया गया, बताया गया कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वट एवर गैर मुस्लिम भी है उनके साथ भी अच्छे तरीके से आपने चलना है। तो जब आप यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या फेस करना पड़ता है? आप तो एक मतलब यहाँ पे आपका दिल दुखता है, आप तो एक मतलब के ना बिल्कुल सिटी के मेन पे रहते हैं, हम थोड़े बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मतलब के ना बड़ी हर एक कदम पे फेस करना पड़ता है, मतलब के कोई भी मतलब के अच्छा नहीं समझता, लेकिन हम अपने खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं, हम पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और बड़े अच्छे अपना मतलब के ना क्रिश्चियन होने का पूरा हक अदा कर रहे हैं। थैंक्स गॉड। इंडिया जाना पड़े तो फिर नहीं, हम पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ के हम कभी भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया कभी भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के ना, पाकिस्तान लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इनके हुक्मरानों को थोड़ी सी आए कि यार हम क्या अपनी आवाम के साथ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, वेरी गुड, बड़ा अच्छा नाम है आपका। और आप करते क्या? मैं ये ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ठीक हो गया। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, वो इंडिया पर रिक्शे पर जो है ना शॉपिंग करने के लिए भी जा रहे हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट पे भी गए हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ठीक हो गया। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर कोई MNA भी होना तो उसके साथ कम से कम 10 गाड़ियाँ होती हैं, तो आप कहाँ पर देख रहे हैं इंडिया को और कहाँ पर देख रहे हैं भारत को? सही है, हमारा तो ये जो मुल्क है भाई, ये अयाश मुल्क है, ये शाही मुल्क से सऊदीया को भी क्रॉस कर गए हैं हमारे हुक्मरान भाई, ये अरबियों को भी इन्होंने क्रॉस किया हुआ है भाई। हालांकि हम अपनी साइकिल के अलावा हम अपना कुछ नहीं बना रहे, सब कुछ हम बाहर से ले रहे हैं, तो फिर भी इतनी हमारे पास महंगी गाड़ियाँ हैं भाई। तो मैं एक मजदूर आदमी हूँ, अब इनके आगे हाथ भी जोड़ सकते हैं हम, हाथ ही जोड़ सकते हैं हम, इन भाई अब रहम करें इस मुल्क पे, हमारे मुल्क पे, हमारी आवाम पे, अल्लाह का वास्ता है, आपको अपनी आशियाँ छोड़ें, मुल्क की तरफ देखें, को मुल्क का हो यार, मेहरबानी। तो सर आपके वज़ीर आज़म इंडिया में घूम फिर रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल के, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कैसा आप इंडिया को देख रहे हैं भाई, इतना खुशहाल मुल्क हो गया वो? हाँ जी सर, वो हम उससे तकरीबन 65 साल पीछे हैं हम इंडिया से, इंडिया हमारे से 65 साल आगे चला गया हुआ है। जो ये आपने क्या कह दिया सर, ऐसे ही है ना, इंडिया आगे है हमसे, हम बहुत पीछे चले गए हैं इंडिया से। अफगानिस्तान कल आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान भी हमें क्रॉस कर रहा है। आप किधर देखते हैं न्यूज़ भाई, आप रिक्शा चलाते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ सर? न्यूज़ें नहीं, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो आपको कैसे पता है इंडिया आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चला गया? सर नज़र दुनिया, ज़ाहिर बात है ये देख नहीं रही सब कुछ।
अच्छा, आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं? लोगों का मोबाइल देख लिया, अपना मेरा मोबाइल तो नहीं है। सारा दिन सोच सोच के बंदे को दिमाग आ भी जाता है। ओए होए, अच्छा तो इंडिया को आप किधर देख रहे हैं भाई? वो कैसे 65 साल हमसे आगे चला गया, ना 10 साल, ना 20 साल, ना 40 साल, 65 साल आगे कैसे चला गया इंडिया भाई, ये बताएं जरा मुझे। सर रोशनी डाले, रोशनी सर मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, हालात से ही पता चलता है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं वो थोड़े से ईमानदार हैं, वो आवाम के हमदर्द हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारा खून चूसने पे तुले हुए हैं, ना ही इनको ईमान की है, ना ही इनको इस्लाम की है, इनको अपनी जेबें भरने की है, जो हमारे हुक्मरान हैं। तो गरीब आदमी मर रहा है, बस गरीब आदमी नहीं मरना है, ये याशियाँ करेंगे, करते रहेंगे, इनको हिदायत ना ही आनी है ना ही आएगी। ये तो आखिरत पे जब जाएंगे अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि हाँ भाई क्या करते रहे हो, आपको सब कुछ दिया था, क्यों नहीं आपने सोचा गरीबों का। तो नरेंद्र मोदी भाई जो है नरेंद्र मोदी के आप इतने फैन किधर से आ गए? फैन नहीं सर, फैन मैं अल्लाह ताला का हूँ और किसी का नहीं हूँ। जो बंदा अच्छे काम करेगा वो दुनिया उसको भी देखेगी, वो अपनी आवाम का सोचता है। इतने साल हो गया हुकूमत कर रहा है, हमारी तारीख में नहीं है 5 साल किसी वजीर आजम ने हुकूमत की हो। ओ यार क्या सच्ची बातें कर रहे हो भाई आप, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है अगले 10 साल भी गुजारने वाले हैं नरेंद्र मोदी भाई? लगता क्या, मुझे लगता है हमारे जीते जी वही करेंगे, क्योंकि हमारे जीते जी वही हुकूमत करेंगे। कर जो रहा है भाई, आपके सामने नहीं है क्या क्वालिटियाँ फिर नरेंद्र मोदी में भाई? भाई आवाम का सोचता है, जो बंदा आवाम का सोचेगा उसी ने रहना है, हुकूमत उसी ने करनी है। जो अपना सोचेगा कि खाली मेरे बच्चे खाएं मैं खाऊं, तो वो कैसे कामयाब होगा भाई? अब ये जो प्रोटोकॉल में हमारे और आपके टैक्स का पैसा जा रहा है, प्रोटोकॉल पे हमारे ही टैक्स के पैसे हैं, बच्चों बच्चों के पैसे हैं, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं फिर भाई? भाई नज़र क्या है, इनको अल्लाह की नज़र लगे बस, हमारी तो ये दुआ है बस, हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना। चले यार अल्लाह आपको खुशहाल करे इस पाकिस्तान। आज का टॉपिक है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया पर आए बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के, अपने आप को सेफ रखते हुए ऑटो रिक्शे पर सैर भी वो कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो आप इसको किधर देख रहे हैं? हम पहली बात आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपने मुझे मौका दिया। भाईजान पाकिस्तान में जो है ना कोई बंदा सेफ नहीं है, इधर जो है जो VVIP जो प्रोटोकॉल मिलता है ना वो MNA MPS को मिलता है, वो इंडिया है, वो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं है। इधर जो भी कोई है कोई अच्छे अहदे पे चला जाता है हमारे वोटों से। अभी हाल ही में 8 फरवरी को वोट हुआ है, कहा आप खुद देखें जो MP MNA है उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं जी, बल्कि उनके बच्चे भी जाते हैं। वो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, कंपेरिजन ना आप हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में देखें ना डिफरेंस क्या है। इंडिया में वो आईफोन का जो है, इंडिया में जो तरक्की के मनाजर देखे जाए, अभी पिछले दिनों ही वो उन्होंने वो एक ट्रेन गुजारी है, वो नीचे से गुजर के जा रही है भारत से सऊदी दुबई, हाँ जी अंडर वाटर ट्रेन, हाँ जी इस तरह वो ट्रेन नीचे से जा रही है, देखे कितनी तरक्की कर ली है। और सेकंडली बात ये है कि जो उधर की सिक्योरिटी की बात की जाए वो बड़ी अच्छी है, उनकी लोग उनका बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, हमारे लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी जो है ना जो भी विजिटर आए बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी है उनको बड़ा ख़तरा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में धमाके होते हैं, बस उनके जहन में यही ये माइंड सेट अप है, जो भी आता है इधर आउट ऑफ कंट्री से हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो यही सोच के वो बड़ा घबराता है, वो डरता है कि भाईजान मेरी जान को ख़तरा है, मैं मुझे कहीं गोली ना लग जाए, फायर ना लग जाए, इसी वजह से वो है ना वो इंडिया में थोड़ी सिक्योरिटी भी, यानी कि सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान और इंडिया मुल्क जो है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं बड़े अच्छे यानी कि मेहमान नवाज है, लेकिन जो उनका माइंड सेटअप है ना वो उनका ये कहते हैं, वो डरते हैं, कहते हैं लो जी पाकिस्तान में जाएंगे वो ड्रोन हमले कर देंगे, ये सूरत हाल है। इसी वजह से वो अभी वो क्या है आप कह रहे हैं तो वो टैक्सियों में घूम रहे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में आए ना वो एक दफ़ा आके तो देखें हम कितने मेहमान नवाज हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे सेफली ऑटो रिक्शे पर घूम सकते हैं जी, जा सकते हैं, बस वही तो बात है ना कि वो माइंड सेटअप हुआ है उनका, हमारे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझा जाता। आप देखें कोई भी जाता है ना आउट ऑफ कंट्री, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? इसी वजह से रोज़गार इधर तो है नहीं, कोई भी इस तरह की स्कीम नहीं है, कोई किसी किस्म के इधर दिहाड़ी मेहनत जो करता है 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो घर जाता है आटा चीनी दाल इतने में तो नहीं ना आती,
तो आप खुद ही बताएं ना। तो इंडिया में आप कितनी सेफ्टी देख रहे हैं, इतना डेवलप हो गया कि हर कंट्री जो है वो मजबूर हो गई इंडिया जाने पर सर, कि हम जाके वहाँ पे डेवलपमेंट तो देखें जाके भारत। ये बात तो आपकी ठीक है, उधर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तरक्की बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की काम बात करें ना, हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो हमें आज से पाकिस्तान कम नहीं है, अभी आप कह रहे थे कि कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। मैं ये वो आपने प्रोटोकॉल की बात की है, प्रोटोकॉल उधर ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारा मुल्क जो है ना ये बड़ी कुर्बानियों से बना है भाईजान, तो हम एज अ शहरी मैं तो यही करूँगा कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में कोई आए वो देखे कि कितना माहौल है, लेकिन जो बाहर के ममालिक के लोग हैं ना उनको इस तरह का गाइड नहीं ना है, वो गाइड नहीं किया जाता, वो क्या यही कहते हैं कि लो जी पाकिस्तान में जाएंगे हमले हो जाएंगे, दहशत गर्द है, लेकिन इस तरह का कोई भी सॉरी टू से आपका मैं बात काट रहा हूँ, हम लोग जो बाहर जाके चोरियाँ भी कर रहे हैं, बाहर कंट्रीज में जाके भीख भी मांग रहे हैं, अपना हमें इमेज भी ख़राब कर लिया हुआ है, तो कैसे ट्रस्ट बहाल होने वाला है फिर भाई, कैसे आएंगे बाहर? क्या दिया नंबर 804। अच्छा, इसकी वजह ये है इधर रोज़गार नहीं है। ठीक है, अभी देखें लाखों की तादाद, पासवर्ड ऑफिस के सामने आप जाके देखें लोग कितने पासवर्ड बना रहे हैं, लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, पैसे लगा के वो इन्वेस्ट करते हैं 8-10 लाख 20 लाख, उधर जाते हैं वो रोज़गार कमाते हैं। अभी भिखारी वाली जो आप बात कर रहे हैं ये मैं नहीं मानता, मैं भी हो, लेकिन अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में गूगल में ट्राई अपना देखें तो सही, वर्ल्ड अफेयर में देखें, वर्ल्ड न्यूज़ देखें, ये सारा कसूर हमारी गवर्नमेंट को जाता भाई जान। ने निकाल दिया, सुन लेना मेरी बात, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई रोज़गार अच्छा हो, कोई मुलाजमत अच्छी हो, नौकरियाँ कहाँ, 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, इतनी करोड़, वो यही बात है कि आप अगर हमारे पाकिस्तान में अच्छा लोगों को कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो भाई जान हम क्या जाएँगे, वहाँ से लोग इधर आएँगे कैसे आएंगे, आने वाले हैं, कुछ लग रहा है, इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इन फ्यूचर अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह अच्छा ही फ्यूचर है। तो फिर भाई देखे ना कि भारत ही अगर देखा जाए तो सभी कंट्रियां जो है ख्वाहिशमंद भी हैं, क्या नज़र आ रहा है, क्या खुशहालियां नज़र आ रही हैं भारत में सभी कंट्रियों को यार, उसकी तो ना करें बात, वो हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, हम तो फेवर करते हैं, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं समझते, भारत वाले वो कैसे अच्छा नहीं समझ, यही कहते हैं कि हम हर चीज़ से उससे आगे हैं, उनसे आगे हैं। अब ये तो एक दौर की बात रियलिटी है, इस दौर की भी बात की जाए ना, वो तरक्की कर रहा है मुल्क, नो डाउट वो तरक्की कर रहा है। ये तो आपके शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला, इमरान खान साहब भी बोलते थे कि भारत जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया, कम से कम 15-20 साल हमसे वो भारत आगे जा चुका है। हाँ हाँ ऐसे ही है, अगर इमरान मैं तो यही कहूँगा कि कैदी नंबर 804 मेरा लीडर जो इमरान खान के पाकिस्तान में वापस आया ना, अभी उनको कैद करके रखा हुआ है, वो फिर भी हार नहीं मान रहा, जब वो आ गया ना तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, आईटी सिस्टम देख लें, एजुकेशन देख लें, तालीम का निज़ाम देख लें, नहरी निज़ाम देख लें, ओवरऑल हर लिहाज से वो हमसे भाई उनका समझौता बहुत अच्छा है। हाँ। वो लोगों से प्यार करते हैं, ठीक है, उनके लीडर जो है वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको रोज़गार देते हैं, बस यही कमी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, अगर रोज़गार मिल जाए ना तो भाईजान हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। बड़ी सोने की चिड़िया है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है, तो खा रहे हैं हमारे लीडर ना, वही खा रहे हैं ना, हमारे टैक्सों से खा रहे हैं, तो आवाम को भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रोटोकॉल से जाते हैं सर, आवाम को भी तो अवेयरनेस आनी चाहिए ना, आवाम को, आवाम हमारी अंधी थोड़ी है, आवाम को अवेयरनेस आएगी, जल्दी आएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, जज़ाकअल्लाह खैर, बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अरे भाई क्या नाम है? हमाद। हमाद हमाद हमाद, ठीक हो गया, और आप करते क्या हैं? सर मैं काम करता हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। ठीक हो गया, आज का हमारा टॉपिक है सिंगापुर के वज़ीर आज़म जो है वो इंडिया पर गए और ऑटो रिक्शे पर जो है वो घूम फिर भी रहे हैं, शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं बड़ी आज़ादी के साथ, उन्हें को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, ना कि स्कूटी दी गई है, तो क्या उनका सिंगापुर का वज़ीर आज़म इस तरह पाकिस्तान में घूम फिर सकता है? सर देखें, आप ये कह रहे हैं कि सिंगापुर का वज़ीर आज़म इंडिया गया है, और वो वहाँ सिक्योरिटी के वहाँ पे घूम फिर रहा है, रिक्शे पे घूम फिर रहा है, ऑटो रिक्शे पे शॉपिंग वगैरह भी कर रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह पे भी जा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान में ऐसा आज़ादी के साथ घूम सकता है? बगैर सिक्योरिटी घूम सकता, क्यों नहीं घूम सकता? कैसे? सर वो आए यहाँ पे उसको घुमा देंगे, कोई मसला नहीं है। कैसे घुमाएंगे? वो तो डरते हैं, हमारा तो इमेज बड़ा खराब हुआ है। कोई नहीं डरता सर, पाकिस्तान से कौन डरता है? कोई भी नहीं। पाकिस्तान को ये तो कह रहे हैं ना कि ये अपना दहशतगर्द कंट्री है। कौन कहता है? आप कहते हैं? यूरोप वाले कहते हैं सर, यूरोप वाले कह रहे हैं। किसने कहा है? सभी लोग कह रहे हैं। कौन सभी लोग? क्योंकि नाम लेना, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लें आप। सर नाम लेना जरूरी थोड़ी है, नाम लेना जरूरी है। जब आप ये यूरोप में जा रहे होते हैं तो आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? आपको साइड पे खड़ा करके तलाशी क्यों ली जाती है? आपको सऊदी से निकाला क्यों जाता है?
दुबई से क्यों निकाला जाता है? सिर्फ पाकिस्तान की ताशी ली जाती है, बाकी और ममालिक नहीं ली जाती। किसकी ली जाती है आप बता देना? बाकी और ममालिक क्या बड़े हैं, जिस तरह के अफ्रीका के इतने ममालिक जिनकी तलाशी ली जाती है, उनका हक है तलाशी ले, हमारी क्यों ना ले? नहीं, हमारी कुछ खास तरीके से ली जाती है तलाशी। इतनी खास क्या? कपड़े उतार लेते हैं। कपड़े उतार लेते हैं। अच्छा वो छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि वो सिंगापुर के जो वजीर आजम है, क्या सोच करके वो इंडिया पर गए और इंडिया हमसे आगे कैसे चला? इंडिया से, इंडिया में वो कारोबार करने गए और वो कोई सीधी बात घूमने थोड़ी गए? कारोबार नहीं करने गए, विजिट करने गए। चले वो विजिट भी इसलिए करने गए ताकि उनका ताल्लुक इंडिया से बेहतर हो। इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो सीधी बात है सिंगापुर अपना फायदा देके वहाँ गया। कौन सा कोई वो फजूल गया? सीधी बात, पाकिस्तान में फायदा क्यों नहीं सोचने आते सर? यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों भागता जा रहा है? सर इन्वेस्टर इसलिए भागता जा रहा है सर, पाकिस्तान पहले खुद स्टेबल हो जाए जरा। ठीक है, अभी जरा सीधी बात है अभी झूठ बोला जाए, पाकिस्तान अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अभी स्टेबल भी नहीं है, पहले अपने हालात बेहतर कर ले पाकिस्तान थोड़ा सा। इसी टॉपिक के लिए आप गुस्सा कर रहे थे? हाँ जी। ये अपनी यूथ को दिखाने के लिए अवेयरनेस आई, उन्हें पता चले कि यार हमारे साथ आजाद होने वाला मुल्क जो है वो आगे जा चुका, बांग्लादेश आगे गया। तो सर यूथ को भी सब कुछ पता है पाकिस्तान की क्या हालात है। ठीक है, लेकिन जो ये आप कर रहे हैं इंटरव्यूज लेके बाहर की आवाम को दिखा रहे हैं, इंडियन मालिक को दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क खराब है, आप ये सही काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे मुल्क के हालात खराब नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने भी बात किया पाकिस्तान के बड़े खराब है हालात, टीम आई उनके ऊपर हमला। अच्छा, और सर ये तो 10-15 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। सर इंडिया में इतने मामला हो चुके हैं, वो नहीं आपको पता? इंदिरा गांधी मरी, वो नहीं आपको पता? चाइना, श्रीलंका, श्रीलंका तो याद है। चाइना क्यों नहीं आता इधर? चाइना क्यों नहीं, क्या क्या मतलब आजादी की, क्यों क्या मतलब, क्या क्या यहां पे चाइना डरते आते वक्त? क्यों डरते आते वक्त? भाई को खुद का धमाका ना हो जाए। सर वो खुद कुछ धमाका कर आप ही होंगे, हम तो नहीं है। नहीं, हम तो नहीं है खुद का। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं यहाँ पे खुद की बात मगर फिर रहे हैं? मेरी बात सुने ना, हम तो आपका पाकिस्तान ही है ना, आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, आप इधर डिमोट कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी आगे जा चुकी है, वो भाई वो तो बिजनेस के लिहाज ऊपर जा रही है। तो बिजनेस के लिहाज से हम बात कर रहे हैं ना, तुसी गल कर रहे हो खुद कुछ बम्बार आ गया तो धमाका हो रहा है। मेरी बात सुने, कोई खुद का बम्बार नहीं आया। केड़ा बम्बार आ गया फिर? अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि बम्बार किया है? मैं नहीं किया, तुसी क्या कहा जी वो आएंदे आते थे बम्बार? चाइना क्यों नहीं आता फिर इधर? चाइना आया तो वह सऊदीया क्यों नहीं आता? तो शादी के साथ यहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल के पैसे खा रहे हैं। अगर चाइना हमारे हुक्मरान प्रोटोकॉल, मेरी गलत सुन लो, बोली आ रहे हो, अगर चाइना अगर नहीं आ रहा तो सी पैक आपके फुफो के बेटे बना रहे हैं यहाँ पे आके? आपके फुफो के बेटे बना रहे होंगे? कौन बना रहा है? तो भाई चाइना ही बना रहे हैं और कौन बना रहे हैं? आप कह रहे चाइना यहाँ पे आ नहीं रहा, चाइना छोले ला रहे हैं, चाइना क्यों नहीं बांध रहे हैं? बांध रहे हैं वहाँ पे फिर धमाका हो गया। कितने धमाका होया? 5 चाइनीज मर गए हैं। सी पैक च होया? इस्लामाबाद होया? पहले खबर पूरी सही तरह सुन के आया करो चाइनीज क्यों मरे? सर चाइनीज सर वो सीधी बात है गए हैं। ठीक है, हमारा एक पाकिस्तानी भी मरा ड्राइवर। अच्छा, पाकिस्तानी ड्राइवर ही मरा? हुए 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 सर, ये तुम्हारा मसला बन गया। अच्छा, 5 ही नहीं मर गए हैं? सर जो पिछले 2 हफ्ते से इतने हो रहे हैं, मतलब बंदे मारे हैं पाकिस्तानी, वो आपको नजर नहीं आ रहा? 5 मारे हैं पाकिस्तानी। और सर आप चले जाए बलोचिस्तान, ठीक है, वहाँ पे इतने धमाके हुए हैं रमजान में, इतने धमाके हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, कौन करवा रहा है बलोचिस्तान में? तो मैंने क्यों पता, मैं खुद कुछ बम्बार हूँ तो बताए ना, उसी खुद कुछ बम्बार तुझे दस दियो। हम तो नहीं भाई, खुद आप पे तुझे कह रहा है बम्बारी हो रही है इतने। बमबारी किसने बोला? आप क्या बंदे मार दे, रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। रिकॉर्ड दिखा दे मुझे, दिखा दे भाई रिकॉर्डिंग। तो आपने की बात की है, बमबारी की बात नहीं हो रही। आपने कहा कि जी कोई आतंकवाद में आता नहीं है क्योंकि खुद कुछ बमबार फिर रहे हैं। आपने कहा फैक्ट्स में बात कर रहे हैं क्या? किस? हाँ जी, मैं फैक्ट्स से बात कर रहा हूं। अभी आपने इंडिया को उनसे आगे कर दिया इकोनॉमी में। और भाई वो बिजनेस में इकोनॉमी तो आगे ही है। हाँ जी, आप इंडिया सर, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। फिर आप इंडिया को क्यों कह रहे हैं कि वो इंडिया आगे चला गया टेक्नोलॉजी? भाई रियलिटी फेस करनी चाहिए, रियलिटी फेस हम भी तो कर रहे हैं ना। अगर आप इंडियन व्यूवरशिप लेना चाह रहे हैं इंडिया को, इंडियन व्यूवरशिप बार बार इंडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप बार बार इंडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इंडिया 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 आपने भी तो 10 बार, आप बार बार, मैंने तो एक बार नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आप कह रहे नहीं इंडिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है इंडिया, इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक हो गया, खत्म करो जी। नाज़रीन, झगड़ा जो है वो, लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही थी, वो भाई किसी तरफ आने को राज़ी ही नहीं है। पहले खुद ही उसने बोला कि इंडियन जो इकॉनमी है वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। जब हमने बात की है तो भाई जो है वो झगड़ा करना शुरू हो गए हैं कि आप इंडिया से आए हो, आप इंडियन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। फैक्ट्स पर बात करना दुश्वार हो चुका, तो कहाँ
क्या बात की जाए, यहाँ पे फैक्स में बात करना भी दुश्वार हो चुका। तो इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।